नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है अपन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने आपके बिंदु, रेखा, कोण, बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है अपना अगला ना टॉपिक जो है वो वृत्त है और वृत्त के बारे में अपन समझेंगे। देखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है वृत्त जो है वो क्या है। सबसे पहले ये समझिए, वृत्त का मतलब है कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो है वो वृत्त कहलाता है। क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। यानी ये एक बिंदु है, इससे ये सभी बिंदु क्या है? निश्चित दूरी पर स्थित है। तो ये जो बिंदु पथ है ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ओके, अब यहां पे आपको चीजें को थोड़ा सा समझना है। सबसे पहली बात कि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात है एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या याद रखिएगा अनंत होती है। एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है? अनंत है। ये आपको याद रखना है। ओके, एक बिंदु से जो वृत्त गुजरेंगे उनकी संख्या होती है अनंत। इंपोर्टेंट दूसरा पॉइंट भी आपका इतना ही इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या भी कितनी है अनंत। ये भी आप याद रखिए। ओके, और इंपॉर्टेंट आता है यहाँ तीन बिंदु से जो बात है तो आपको याद रखें, तीन बिंदु से एक वृत्त तभी खींचा जा सकता है जब वो तीनों बिंदु असंरेख हो। यानी तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या एक ही होती है, लेकिन वो तभी बनेगा जब दिए गए बिंदु जो है वो क्या हो? असंरेख हो। जैसे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है और इन पॉइंटों को अपने मैच किया, ये जो बिंदु है ये क्या है? असंरेख है। एक बिंदु ये हो गया और ये, तो एक वृत्त इनसे तभी गुजरेगा जब ये दिए गए बिंदु क्या होंगे? असंरेख। असंरेख नहीं है तो यहाँ से बिंदु वृत्त नहीं गुजर सकता है। असंरेख होंगे तभी बिंदु, तीन बिंदु क्या हो? असंरेख। तो आपका वृत्त कितने गुजरेंगे? एक वृत्त, ये याद रखें। अगर असंरेख नहीं है तो कुछ नहीं गुजरेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर चार बिंदुओं से तभी गुजर जा सकता है जब चार बिंदु क्या हो? चारों बिंदु असंरेख हो। असंरेख होंगे तभी गुजरेगा, अगर संरेख होंगे तो नहीं गुजरेगा। और यहां पर भी संख्या होती है एक वृत्त। यहाँ पे भी याद रखेगा कितने वृत्त गुजर सकते हैं? एक वृत्त, ये आपको याद रखना है। जैसे एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष जो हैं वो एक वृत्त को अंत स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो क्या हो गया? ये एक पॉइंट हो गया, ये एक हो गया, ये और एक हो गया, ये चारों क्या है? असंरेख है, तभी एक वृत्त गुजर सकता है। ये चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि या थ्योरम है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। ये आपको याद रखेगा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, हमेशा ये चीज याद रखेगा। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये अपन ने वृत्तखंड खींच दिया और यहां पे एंगल बना रहे हैं। एक एंगल ये है और एक एंगल आप यहां बना रहे हैं।
तो ये दोनों ही एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी यहाँ नाम दे दे ए बी, या पी और या क्यू, तो एंगल ये पी और क्यू है ना, ये इक्वल रहेंगे। ये चीज आप याद रखेगा हमेशा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान। चाहे वो दीर्घ वृत्तखंड में बने, चाहे वो लघु वृत्तखंड में बने, दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि अगर ये नीचे बनेंगे तो भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये अपने पास एक सर्कल है, ओके। यहां पे मैंने एक चाप ले लिया, ये ए और ये बी। अब यहां पर लघु चाप जो है ना, शेष परिधि पर लघु चाप जो है, ये लघु चाप रहा है, ये शेष परिधि पर, यानी यहां पे जो कोण बनाएगा ना वो न्यून कोण बनेगा, याद रखें। और जो दीर्घ चाप जो बनाएगा ना वो शेष परिधि पर, दीर्घ चाप यहां बनाएगा शेष परिधि पर, तो ये क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। यहां तो रहेगा आपका सी नाम दे दे या डी दे दे, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां आपके पास हमेशा होता है न्यून कोण। यहां क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा, ये चीज याद रखेगा। और ये जो है ये क्या रहता है, अधिक कोण रहता है। यानी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि लघु चाप शेष परिधि पर न्यून कोण बनाता है, जबकि दीर्घ चाप शेष परिधि पर अधिक कोण बनाता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यानी लघु चाप तो देखेगा, जो आपका लघु चाप है ये शेष परिधि पर क्या बनाएगा, न्यून कोण। और जो आपका दीर्घ चाप है, जो क्या आपका दीर्घ चाप, ये शेष परिधि पर बनाता है अधिक कोण। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां बता दूं आपको, हमेशा याद रखने वाली, कि ये जो एंगल बन रहा है अपने पास, ये जो अपने लघु चाप में और दीर्घ चाप में जो एंगल ली है, जैसे ये यह मान लीजिए थीटा वन है और यह थीटा टू है, ओके। ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो याद रखेगा आप, थीटा वन प्लस थीटा टू जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज भी आपको याद रखें, इन दोनों का जोड़ जो है वो हमेशा याद रखेगा कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ये न्यून कोण बने या अधिक कोण बने, लेकिन दोनों जुड़कर कितने बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, एक थ्योरम है आपको जो याद रखनी है, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, उसके केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये चीज आप याद रखें, यानी यहां पर आपको एक वृत्त दे दिया गया है ये, ओके। यहां पर अब देखेगा इसके केंद्र पर बना कोण, एक तो यहां पर अपन कोण ले लेते हैं और एक इसकी शेष परिधि पर ले लेते हैं, ऐसे। ये जैसे इसका ओ पॉइंट है, ओके, ये ए ले लिया, ये अपने बी ले लिया, सी। तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, अपने पास ए ओ बी है। तो शेष इस चाप द्वारा केंद्र पर ए ओ बी बना, यानी ये कोण है, ये एंगल है, ये एंगल जो है ये इस एंगल का क्या होगा, दुगुना होगा। यानी अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना रहेगा, टू थीटा रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, टू थीटा। यानी अपन कह सकते हैं ये एंगल ए ओ बी जो है ये डबल है किसका, ए सी बी। ये आप याद रखिए, शेष परिधि पर बने कोण का सदैव क्या होता है, दुगुना होता है।
ये आपको याद रहना चाहिए। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 60 है, यहाँ 100 है तो यहाँ 200 है, यहाँ 50 है तो यहाँ 100 है, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 है, यहाँ 80 है तो यहाँ 40 है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो सदैव याद रखेगा क्या रहेगा, समकोण, ये चीज आपको याद रखना। जैसे ये अपने पास है अर्धवृत्त में बनेगा, ये डायमीटर होनी चाहिए, यहां पर जो ये एंगल बनेगा ऐसे नाम दे दे, जैसे ये ए है, ये बी हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, ये सी है, तो ये जो एंगल है ना आपके पास में कौन सा, सी वाला, ये एंगल है ना 90 डिग्री बनेगा, ये वाला, ये कितना बनेगा आपके पास 90 डिग्री, ये याद रखिएगा। जैसे ये 30 है तो ये 60 हो गया, ये 60 70 है तो ये 20 हो गया, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं यहां पर डिग्री माप की। डिग्री माप, अब सबसे पहले ये समझिएगा डिग्री माप होता क्या है, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण कहलाता है डिग्री माप, याद रखेगा, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण डिग्री माप कहलाता है। ये आपको याद रखना है, कोई भी वृत्त है उसके केंद्र पर चाप द्वारा जो कोण बनेगा ना, जैसे यहां है, ओके, अब इसके केंद्र के पर यहां पर मैं इस चाप द्वारा ये एंगल बना दूं, ओके, और इसके केंद्र पर जो ये यहां से एक चाप द्वारा एंगल बनाएगा, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये जो थीटा बनेगा ना यहां पर, ये थीटा है, ये आपका कहलाएगा डिग्री माप, ये क्या कहलाएगा, डिग्री माप कहलाता है। और याद रखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट है, लघु चाप का डिग्री माप याद रखिएगा 180 डिग्री से कम होता है, और दीर्घ चाप का डिग्री माप ये जो है ये 180 डिग्री से अधिक होता है। और इंपॉर्टेंट अर्धवृत्त का डिग्री माप जो है ये होता है 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है, लघु चाप का डिग्री माप 180 डिग्री से कम होता है, जबकि दीर्घ चाप का डिग्री माप 180 डिग्री से अधिक होता है, और अर्धवृत्त का डिग्री माप जो है वो हमेशा क्या रहेगा यहां पर 180 डिग्री होगा, यानी लघु चाप केंद्र पर 180 से कम बनाता है, जैसे यहां देख लीजिए लघु चाप 180 से कम बनाएगा, दीर्घ चाप 180 से ज्यादा बनाएगा, जबकि यहां पर जो अर्धवृत्त है वो कितना बनाता है, यहाँ सदैव 180 डिग्री बनाता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और ले लेते हैं, थ्योरम है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, वृत्त की समान जीवाएं है ना केंद्र से क्या रहेंगी, समदूरस्थ, जैसे ये अपने पास सर्कल है, एक जीवा ये ले ली, एक जीवा ये ले ली, ओके, और यहां अपन ये कह दें इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है, ओ है, अगर इनके नाम दे दें अपन ए बी सी ओ डी, याद रखिए यदि आपको कहा जा रहा है ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, तो याद रखेगा
यहाँ पर अगर नाम दे दे इसको एम और इसको एन, तो याद रखिए ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। अगर ये समदूरस्थ है तो ये क्या होती है, केंद्र समान है तो समदूरस्थ है, और इसका उल्टा भी याद रखिएगा, अगर ये समदूरस्थ है, अगर ये क्या है समदूरस्थ है, तो याद रखिएगा ये लंबाई में क्या होती है समान होती है, दोनों बात क्या है सत्य है। समान जीवाएं हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, और अगर समान दूरी पर है तो याद रखिएगा वो अपनी लंबाई में क्या होती है समान होती है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं जीवाओं की। तो यहाँ दो कंडीशन है अपने पास जीवाओं के लिए, देखिएगा एक ही अपने पास सर्कल है, इसमें दो जीवाएं हैं, ये ए बी ये सी और डी, और यहाँ है वृत्त का केंद्र ओ। ओके, तो या यहाँ पी पॉइंट दे दूं, तो ये अंतः प्रतिच्छेद कर रही है जीवाएं, जीवाएं क्या कर रही है, जीवाएं अंतः प्रतिच्छेद। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं अपने पास, तो याद रखिएगा अगर अंतः प्रतिच्छेद कर रही है तो यहां पर आपको याद रखना है एपी गुना, यहाँ पी है, ओके, एपी पीबी इक्वल होगा सीपी इंटू डीपी, ये आपको हमेशा याद रखना है। इनका गुणनफल जो है ना वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी एपी का पीबी का गुणा बराबर होगा सीपी इंटू, यानी इसने का गुणा और इतने का गुणा इसके इसके गुणा के क्या रहेगा बराबर, अगर ये क्या करती है अंतः प्रतिच्छेद करती है। जीवाएं है ना बाह्य प्रतिच्छेद भी करेंगे, जीवाएं बाह्य प्रतिच्छेद करें, जैसे और बाह्य प्रतिच्छेद करा देने ऐसे, इसे नाम दे दें अपन पी ए सी बी सॉरी, और यहाँ दे दे सी और डी। तो याद रखिएगा इसमें भी क्या होगा आपके पास एपी या पी ए बराबर गुना पी बी बराबर होगा सी पी गुना पी डी, ये आप याद रखें अगर बाह्य प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसा होता है, दोनों चीज आपके याद रहनी चाहिए और हमेशा याद रहनी चाहिए। ओके, दूसरा यहां पर आपको बता दिया जाए कि ये एक सर्कल है, ओके, और यहां से एक स्पर्श रेखा ले ली इस पर, और यहां से एक छेदक रेखा ले ली, ठीक है, तो यहां नाम दे दें पी टी और ए और बी, याद रखेगा जो पी टी स्क्वायर है ना वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है, ये भी आप याद रखें कि पी टी स्क्वायर बराबर क्या होता है पी ए इंटू पी बी होता है। ओके, फिर बात करते हैं यहां पर स्पर्श रेखाओं की, यानी टेंजेंट, टेंजेंट क्या है ये समझिएगा, एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई टच करती हुई कोई रेखा गुजर जाए उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद स्पर्श करती है, एक रेखा एक ही बिंदु पर सर्कल को क्या करती है स्पर्श करती है, जैसे ये एक रेखा गुजर रही है, ओके, जैसे ये मैं कह दूं इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ये जो है ना आपके पास स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा ये क्या रहेगी आपके पास, इसका नाम है ए बी, या आप कह सकते हो क्या ए पी बी, और यहां पर स्पर्श बिंदु की बात करें, स्पर्श बिंदु तो स्पर्श बिंदु आपका रहेगा पी, एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर क्या करती है स्पर्श करती है वृत्त को, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, दूसरी बात यहां पर कि आपको कह दिया जाए एक वृत्त पर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है,
कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो याद रखेगा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? अनंत। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि परिधि पर अनेक बिंदुओं का समूह है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। बाह्य एक वृत्त पर कितनी होती हैं? तो अनंत होती हैं। और एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? तो केवल दो। कितनी खींची जा सकती हैं? केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जी, ये एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, ओके। अब देखिएगा, अब इस पर कितनी स्पर्श रेखा, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, तो ऐसे कितनी भी हो सकती हैं? नहीं हो सकती क्या? लेकिन एक बाह्य बिंदु से केवल इस पर दो ही आ सकती हैं। जैसे एक तो आई ये, ये लीजिए, ये कितनी आएंगी? केवल दो ही आएंगी। एक बाह्य बिंदु से तो कितनी हो सकती है? दो ही हो सकती है। ये पी नाम दे दू, इसे ए दे दू, इसे बी। तो यहाँ पर तो ये कितनी रहेंगी? दो ही। और याद रखेगा दोनों है ना, पी ए बराबर पी बी होती है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं ना अपनी लंबाई में क्या होती है? समान, जब एक बाह्य बिंदु से इस पर खींची जाती है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए ये सर्कल है, ओके, और यहां बाह्य बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी अपने, ठीक है। अब देखिएगा, ये है पी, ये है ए और ये है बी। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या ना स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आप याद रखें, इससे पहले त्रिज्या क्या है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे यहां बनाया जाए एक सर्कल और यहां त्रिज्या ले लें और एक स्पर्श रेखा, यानी यहां ये हो गई स्पर्श रेखा और यहां ये हो गई इस पर त्रिज्या। तो याद रखिएगा ये ए बी है, ये ओ और पी है। तो OP जो है ना वो लंब होती है किस पर? AB पर। ये याद रखें, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये चीज यहां लगाएंगे अपन, बाह्य बिंदु से ले लिया है, ओके। अब यहां बात करें इसके सेंटर पॉइंट से यहां तक, यहां ऐसे मिला दिया गया है, ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है और फिर इसको यू मिला दिया गया। इसमें कुछ चीज याद रखेगा, पहली स्टेटमेंट कि पी ए बराबर है पी बी, दूसरा स्टेटमेंट इसमें एंगल ओ ए पी बराबर है ओ बी पी के, कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, ओके। तीसरा स्टेटमेंट एंगल ओ, यहां पर अगर बात करें एंगल ओ, सॉरी ओ पी, ये ओ ए पी है, ओके, और ये ओ बी पी, हाँ 90 डिग्री है। और अगर बात करें यहाँ पर ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी की, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और फोर्थ नंबर यहाँ पर है एंगल, आप लें ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ये भी याद रखेगा 180 डिग्री होता है। क्यों? ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ए ओ बी पी, एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गए, तो इनका जोड़ कितना रहता है? हमेशा 180 डिग्री रहता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ओके, रह जाएगी बात याद, और जरूरी है ये आपके याद भी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता दें,
कि मैं अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहां याद रखेगा आप एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए बराबर होता है एंगल ए पी ओ के। ये लीजिए, ये भी आप चीज याद रखेगा, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा ना, यहाँ ये इसका बराबर होता है। ये लीजिए, ये आपके कुछ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो आपके हमेशा याद रहने चाहिए। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ये आपके क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएंगे। और ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा याद रखेगा, ये बनेगा आपका चक्रीय चतुर्भुज, और फिर ये वाला। ओके okay, बाकी इनसे अपन क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कह दूँ 70 डिग्री है तो यहाँ कितना है, 110 डिग्री आएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 120 डिग्री तो यहाँ कितना आएगा, 60। और ये लाइन है ना, इसको बाइसेक्ट करेगी तो यहाँ पर कितना रहेगा, 30 रहेगा, समझ रहे। तो ये बाइसेक्ट भी होगा यहाँ पर इक्वल, अगर आप याद रखें यहाँ पर है ना, ये बाइसेक्ट भी होता है, ये जो है क्या रहेगा, बाइसेक्ट भी होता है। ये चीज आपको याद रखनी है साथ में। अब बात करते हैं इसकी, दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। दो क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं। यहां दो स्पर्श रेखा होती हैं, मैं बात करूं स्पर्श रेखा की, एक को कहते हैं अपन अनुस्पर्श रेखा, कॉमन जो होती है दो सर्कल पर, और ये एक होती है तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा। दो प्रकार की स्पर्श रेखा आएंगे, एक अनुस्पर्श रेखा और एक तिर्यक स्पर्श रेखा। कैसे, जैसे यहाँ पर दो वृत्त है ना, यहाँ पर दो वृत्त दे रखे हैं आपको, एक वृत्त ये है और ये एक वृत्त ये है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली, ये कहलाएगी आपकी कौन सी, ये कहलाएगी अनुस्पर्श रेखा। ये तो क्या कहलाएगी, अनुस्पर्श रेखा। और जो तिर्यक स्पर्श रेखा है उसको और समझ लीजिए, ये जो जाएगी ना यहां से टच करती हुई इसको, ये कहलाएगी तिर्यक स्पर्श रेखा, ऐसे, ये लीजिए, ये कहलाती है अनुस्पर्श रेखा, और ये कहलाती है आपके पास तिर्यक स्पर्श रेखा, याद रखिए। ओके okay? और इन दोनों की लंबाइयां कई बार पूछ ली जाती हैं आपको, तो जो याद रखनी है आपको हमेशा, देखिए जो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ये याद रखेगा, ये होती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, ओके। और उसका क्या कर देंगे अपन, वर्ग, इसमें से माइनस होगा त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर, ये चीज आप याद रखें। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होती है केंद्रों के बीच की दूरी माइनस त्रिज्याओं का अंतर, ओके। दूसरी अपने पास बचती है तिर्यक स्पर्श रेखा, तो याद रखेगा तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई यह आपके पास रहेगी केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी माइनस त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याओं का योग, ये लीजिए आप इतना हमेशा याद रखें। ये होती है तिर्यक की स्पर्श रेखा की लंबाई, जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इनसे अपने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको सोल्व करने होते हैं, ओके। दूसरी, अगर मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बता दूं, दो सर्कल है मान लीजिए, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये है, ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ओके। तो इनकी जो स्पर्श रेखा होगी अनु, जो इनकी अनु स्पर्श रेखा है, ओके, तो इसका नाम अगर अपन दे दें पी क्यू,
क्या नाम देते हैं अपन इसका, PQ। तो PQ भी याद रखिएगा क्या होती है यहाँ पर, PQ जो है ये होगी टू अंडर रूट R1 और R2। R1 और R2 से क्या तात्पर्य है कि यहां तक अगर आप देखें ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी रेडियस होगी, ये तो अपन क्या मान लेंगे R1 और ये क्या मान लेंगे R2। तो ये होती है PQ। यानी यहां पर अगर आप चाहें तो इस स्पर्श रेखा जो है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई PQ की आप इतना बता सकते हैं कि PQ की लंबाई कितनी होगी, टू इंटू रूट R1 इंटू R2। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो ये है अपना क्या स्पर्श रेखा। अगर आप इससे आगे चलना चाहें तो आगे और बता सकते हैं आपको, देखेगा थोड़ा सा आपको याद रखना है, यदि यदि ये एक सर्कल है, यदि ये एक सर्कल है और इसको एक जो है बाह्य स्पर्श कर रहा है एक चतुर्भुज, ए बी सी और डी। ओके, ये ऐसे है। ओके, तो यहां पर जो है ना आपको थोड़ा सा याद रखना है क्या, कि अगर यहां पर अपन बना दें ये एंगल, देखिएगा एक एंगल बन रहा है ये। ओके, यानी एंगल बना ए ओ बी, और यहां से अगर बनाएं तो एंगल क्या बना सी ओ डी, यानी सी ओ डी क्या बना प्लस एंगल सी ओ डी। तो याद रखें ये 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं एंगल बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल जो है, और प्लस यहाँ पर अपन कह सकते हैं ए ओ डी, जोड़ कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा, यानी इस इन दोनों एंगलों का सम, यानी इसका और इसका जोड़ कितना रहेगा 180। और बात करें यहाँ पर अपन इस एंगल का सम और इस एंगल का जो सम है वो कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी बराबर होती है यहां पर बी सी प्लस ए बी, ये भी आप याद रखें। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर इनके दोनों कोणों का कितना होगा हमेशा ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, और इनकी सम्मुख जो भुजाएं इनका योग एक दूसरे क्या होता है बराबर होता है। इन दोनों को बुझाऊंगा योग, इन दोनों को बुझाऊंगा योग क्या होगा बराबर होगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा कि एक वृत्त के परिधि बना समांतर चतुर्भुज सदैव सम चतुर्भुज होता है, ये याद रखिए, ये आपको याद रखना। ओके, एक वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज सदैव क्या होगा सम चतुर्भुज होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। एक वृत्त के चारों तरफ अगर आपने समांतर चतुर्भुज बनाया है तो वो हमेशा क्या बन जाएगा सम चतुर्भुज बन जाता है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो ये तीन साथियों अपनी ज्योमेट्री जिसके आपको इनको याद करना है, ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके अगर विशेषताओं को आप याद रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, अगर इनकी विशेषताएं आपको याद नहीं है तो आप इनके क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं जहाँ आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं, वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये है अपनी ज्योमेट्री और यहीं पर समाप्त होती है, बाकी जो डिस्कशन करेंगे अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।